एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उनके बीच एक चंपक नाम का बड़ा ही नेक हिरन भी रहता था। वह बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वह अपने कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वह हाल चाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाता था। एक बार चंपक स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कुछ दवाई खाई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। वहाँ बहुत नाराज हुआ, उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया और देखा कि दो हिरन उसके इलाके में आ गए थे। वे बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने चंपक को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोला, अरे चंपक, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारे हाल चाल जानने। हाँ, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है तो हमसे रहा नहीं गया। अब बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत में कुछ फर्क नहीं आया है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। चंपक बात खत्म होते ही अपने घर वापस चला गया और यहाँ दोनों हिरन फिर से हरी हरी घास खाने लगे। मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। चंपक ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है, चारों तरफ हरियाली है। इसे देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। आज पेट भर खा लेता हूँ, कल चंपक से मिलने के बहाने फिर जाऊंगा। मुझे चंपक की तबीयत से क्या लेना, मुझे तो ये हरियाली खींच लाई है। मैं भी तुम्हारे साथ कल जाऊंगा। दोनों हिरन का पेट भर गया तो वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाकर वे चंपक के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ क्या सूखी घास खाते पड़े हो, जाओ चंपक के दरबार में, वहाँ चारों तरफ हरियाली है। वहाँ जाओ, चंपक का हाल चाल पूछो और पेट भर कर हरी भरी घास खाओ। चंपक बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, उसके बीमार होने पर भी हमें हरी घास मिल रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत सारे हिरनों की टोली बन गई और सब चंपक के पास पहुंच गए उसका हाल चाल पूछने। पहले तो चंपक को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उसका हाल चाल जानने के लिए आए। उसके बाद का नजारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरन उसके इलाके की घास खाने में जुट गए। कुछ हिरन फल भी खा रहे थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्ती नहीं थी। चंपक बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास दो घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। यदि यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी, मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। कुछ देर बाद चंपक का एक मित्र भालू, जिसका नाम बिल्लू था, वह आ गया। उसे आने में देर हो गई थी। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। औषधि तो मिल गई लेकिन आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। चंपक ने औषधि खाई और उसे कुछ समय की बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुका रहा। दो दिनों के बाद चंपक की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई घास बची थी ना कोई फल। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था, वह उदास हो गया। दोस्त चंपक, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत हो, हम दोनों मिलकर फिर से यहाँ गुलशन सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। बिल्लू और चंपक फिर से अपने गुलशन बनाने में लग गए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मान के कपट रखने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे मित्रों से दूर ही रहना अच्छा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। जब भी वह शिकार पर जाती थी उसके पीछे चीते पड़ जाते थे और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता था।
कई बार तो उसे अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती थी। इसी सब से परेशान होकर उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन यह कैसे हो सकता, इसी सोच में डूबी रहती। एक दिन उसे एक उपाय सुझा। दूर गांव के एक रास्ते पर उसने साइकिल मरम्मत करने वाला देखा और लोमड़ी उसके पास गई और बोली, ए भैया, मेरी पूंछ को काटकर एक रबर की चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। साइकिल मरम्मत करने वाला डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काटकर रबर की पूंछ लगा देता है। अब लोमड़ी को चीते वाला मुंह चाहिए था। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, मेरा मुंह चीते जैसा बना दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर उसका मुंह चीते जैसा बना देता है। उसके बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है, मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठा ले जाऊंगी। पेंटर उसके शरीर पर चीते जैसे रंग बना देता है। अगले दिन वह चीते के झुंड में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि यह नया चीता कौन है। अब वह चीते के संग शिकार करती और मजे से चीतों के साथ बैठकर खाती थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाती है तो चीते एक हिरन के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है, लेकिन वह चीतों जैसा तेज नहीं भाग पाती। एक चीते को उस पर शक होता है। जब शाम होती है, लोमड़ी चीतों के झुंड में आती है और चीते उससे पूछते हैं, अरे तू आज भाग क्यों नहीं रही थी, तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल देखना मैं अकेले ही शिकार कर लूंगी। अगले दिन जब सब शिकार पर जाते हैं, तभी वहाँ तेज बारिश हो जाती है। बारिश के कारण लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यह देखकर चीते समझ जाते हैं कि वह एक बहरूपिया है और वह उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भाग दौड़ में उसके रबड़ की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर लोमड़ियों के झुंड में पहुंच जाती है। वहां कोई उसे नहीं पहचान पाता। उस झुंड के एक लोमड़ी ने पूछा, तुम कौन हो? तब लोमड़ी ने कहा, मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ रहती थी। अरे ये पता नहीं कौन है, ना तो इसकी हमारे जैसी पूंछ है, ना इसका मुंह लोमड़ी जैसा है। इसे मार मार कर भगा दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह चीते जैसा है। यह सुनकर सारी लोमड़ियां उसे मारने दौड़ पड़ती हैं। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर दूर जंगल में पहुंच जाती है और अकेले रहती है। अब वह ना तो अपने झुंड की रही, ना चीतों के झुंड की। दोस्तों, आपने तो वह कहावत सुनी होगी, ना घर का ना घाट का। यह कहानी हमें यह सिखाती है, अपने के साथ रहने में ही भलाई है। दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। जब भी वह शिकार पर जाती थी, उसके पीछे चीते पड़ जाते थे और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता था। कई बार तो उसे अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती थी। इसी सब से परेशान होकर उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन यह कैसे हो सकता, इसी सोच में डूबी रहती। एक दिन उसे एक उपाय सुझा। दूर गांव के एक रास्ते पर उसने साइकिल मरम्मत करने वाला देखा और लोमड़ी उसके पास गई और बोली, ए भैया, मेरी पूंछ को काटकर एक रबर की चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। साइकिल मरम्मत करने वाला डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काटकर रबर की पूंछ लगा देता है। अब लोमड़ी को चीते वाला मुंह चाहिए था। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, मेरा मुंह चीते जैसा बना दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर उसका मुंह चीते जैसा बना देता है। उसके बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है, मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठा ले जाऊंगी। पेंटर उसके शरीर पर चीते जैसे रंग बना देता है। अगले दिन वह चीते के झुंड में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि यह नया चीता कौन है। अब वह चीते के संग शिकार करती और मजे से चीतों के साथ बैठकर खाती थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाती है तो चीते एक हिरन के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है लेकिन वह चीतों जैसा तेज नहीं भाग पाती। एक चीते को उस पर शक होता है। जब शाम होती है लोमड़ी चीतों के झुंड में आती है और चीते उससे पूछते हैं, अरे तू आज भाग क्यों नहीं रही थी? तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल देखना मैं अकेले ही शिकार कर लूंगी। अगले दिन जब सब शिकार पर जाते हैं तभी वहाँ तेज बारिश हो जाती है। बारिश के कारण लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यह देखकर चीते समझ जाते हैं कि वह एक बहरूपिया है और वह उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भाग दौड़ में उसके रबड़ की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी किसी तरह